टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हफ्तावार खबरों का आगाज राखी की खुशियों से करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार जिस तरह दुनिया भर में प्यार मोहब्बत के साथ मनाया गया, इसी तरह जम्मू कश्मीर के हर मुकाम पर बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और रखवालों की हिफाजत का ख्याल करते हुए इन्हें अपना भाई बनाया। इस हफ्ते की एक ऐसी तकरीब की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिनमें कश्मीर में भारतीय फौजी जवानों को राखी बांध रही हैं। कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के इलाके बोनियार में नए डिग्री कॉलेज की बुनियादें रखी जा रही हैं, जिससे में इल्म और तरक्की के फरोग के जिम्न में बढ़ोतरियां बढ़ गए हैं। हम जो यहाँ पे हमें बच्चे जो जितने भी है मतलब कॉलेज लेवल के वो ज़्यादा सफ़र ना करें, काफ़ी एग्जॉस्ट होते हैं वहाँ से आके। कम से कम सफ़र में 2-3 घंटे लग जाते हैं तो आप फिर खुश हो सकते कि स्टडीज़ में कितना असर पड़ सकता है। बोनियार के बच्चों को, बोनियार तहसील के बच्चों को डिग्री कॉलेज या तो उड़ी जाना पड़ता था या तो बारामूला जाना पड़ता था। यहाँ से 100 रुपया किराया लगा के वहाँ पहुँचना पड़ता था। लेट क्लासेस में एंट्री होती थी यहाँ के बच्चों को, मगर आज सरकार ने जो यहाँ अच्छा स्टेप उठाया था, डिग्री कॉलेज जो हमारा बोनियार में है, चाला में बन रहा है, क्लासें वहाँ पे शुरू हैं। मैं अपनी तरफ से तहे दिल और खुशी का इजहार करता हूँ कि ये एक हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। एलजी साहब ने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 में इसकी बुनियाद डाली है और दिस जो ये बिल्डिंग जिसका काम चल रहा है इस वक्त, इसका जो हमने कम्प्लीशन ऑफ इसका जो कम्प्लीशन वर्क है वो विद इन 18 मंथ्स में इसका फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट हो जाएगा। कोविड वबा की बंदिशों के बाद रग्बी खेल की सरगर्मियां श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों की फिजा को जिंदगी बख्श रही हैं। जम्मू कश्मीर रग्बी एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से होने वाली रग्बी लीग की रिपोर्ट देखिए। We'll be right back.
आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप कर रहे हैं रग्बी सेवन्स की, जिसमें 14 टीमों से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आपको पता है, ये पेंडेमिक की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि बच्चे बिल्कुल दबंग से हो गए थे, बच्चों में इतना आक्रोश आ गया था, इतने इरिटेटेड बच्चे हो गए थे कि वो घरों में हमें पेरेंट्स से हमें कंप्लेंट आती थी कि हमारा बच्चा इतना एजिटेटेड हो गया, बात करने से वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वी वर लुकिंग फॉर सो लॉन्ग, हम इतनी देर से वेट कर रहे थे SOP आने की कि हमें एक मौका मिले। और रिसेंटली जैसे कि आपको पता है कि SOP जारी हुई, जिसमें से आउटडोर गेम्स को ओके कर दिया गया कि दे कैन प्ले, और उसको मद्देनजर रखते हुए वी स्टार्टेड डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप्स ऑल ओवर द जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 16 डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग 16 डिस्ट्रिक्ट्स में होना है। लास्ट 2 ईयर्स में एज यू ऑल नो सिचुएशन ऐसी थी कि इवन इंडिविजुअली प्लेयर्स प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, टीम्स का साथ आना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये JNK रग्बी एसोसिएशन का जो एफर्ट है पूरा टूर्नामेंट सेटअप करने का, आई थिंक इसने बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया है इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट वापस सारे प्लेयर्स में, सारी कम्युनिटी में, एंड इट हैज़ बीन अ रियली ग्रेट ओकेजन टू एन्जॉय द गेम, स्टार्ट एन्जॉइंग द गेम वंस अगेन। रग्बी वो स्पोर्ट्स है जिसमें हमें सब कुछ है, स्पीड, टेक्निक्स, इसमें सब कुछ है। जितना ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें मज़ा आएगा। बारामूला से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान लड़की मिस भाट एक प्रोफेशनल रेडियो जॉकी की सूरत में कामयाब हुई है। मिस भाट की कामयाबी इलाके की दूसरी यंग लड़कियों के लिए एक पैगाम है कि अब जम्मू कश्मीर की हर बच्ची अपने ख्वाबों की ताबीर में कामयाब हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरजे समानिया है और मैं रेडियो चनार में काम करती हूँ। आई एम वर्किंग देयर एज रेडियो जॉकी एंड आई एम फ्रॉम बारामूला शहर खास। जर्नलिज्म पहले से मेरा पैशन था एंड उसके बाद व्हेन आई गॉट टू हर्ड दैट आई हर्ड दैट रेडियो चनार इज़ गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट रेडियो स्टेशन इन नॉर्थ कश्मीर। आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एंड थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया। जहाँ तक क्रिटिसिज्म भी जितना आपको मिलता है साथ ही साथ देयर आर पीपल जो आपको हमेशा साथ देते हैं, आपके साथ रहते हैं और कहते हैं यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। मेरी एक स्टूडेंट है, उसको मैं पढ़ाती हूँ एंड शी इज़ लाइक, उसको घर में बोलते हैं आपने क्या बनना है फरीन, एंड शी इज़ लाइक कि मुझे RJ समानिया बनना है। एंड यू नो ये चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है कि मैं और अच्छा करूँ। बहुत ही अच्छा है, शी इज़ यू नो वन ऑफ द यंगेस्ट टीम मेंबर्स ओवर हियर। और जब हम सोपोर की बात करते हैं, नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करते हैं, शी इज़ फर्स्ट फीमेल RJ, प्लस शी इज़ यंगेस्ट एंड बींग ए स्टेशन हेड, आई फील वेरी यू नो प्राउड कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने समानिया की स्टोरी कवर की है और बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ऐसी लड़कियां जब आगे आती हैं और काम करती हैं विद अ प्रोफेशनल माइंडसेट तो बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं। श्रीनगर में एक मुनफरिद नौयत का सेमिनार हुआ जिसमें कब्रों के ऊपर लिखी गई लिखाई यानी कैलीग्राफी, लिटरेचर और कल्चर को समझने और परखने की कोशिश हुई। इस सेमिनार का अहतमाम इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स और कल्चरल हेरिटेज ने किया था।
सेमिनार वॉज अबाउट द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड काइंड ऑफ स्टडीज वी हैड डन ऑन द साइट. उसमें मोस्ट ऑफ दीज ग्रेव स्टोन्स ऑन दीज ग्रेव यार्ड्स दे आर रिपोजिटरीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन टर्म्स ऑफ कैलीग्राफी इन टर्म्स ऑफ the kind of languages that have been used on these gravestones and the kind of information and the dates we get from it. Then we have also kind of documented the design of these tombstones in terms of their scale, their ornamentation, the kind of motifs they have, and we have kind of trying to create a database. Graveyard culture is about the culture of the people who remained in power. ये आम लोगों का कल्चर के बारे में बहुत कम बताता है, नेग्लिजिबल है उसके बारे में. लेकिन जो भी हम समझते हैं ये उन लोगों का कल्चर है, उन लोगों के ग्रेव्स हैं जो वंस वर इन पावर. इंसान जब देखता है, वो चाहे ग्रेवयार्ड्स हो, वो चाहे कॉइन्स हो, वो चाहे इमारतें हो, विहाराज हो, बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान अगर हम देखें, हिंदू पीरियड के दौरान देखें, डोगराज पीरियड के दौरान देखें, मुगल पीरियड्स के दौरान देखें, सिख रूल के पीरियड के दौरान देखें, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हर कौम पीछे छोड़ जाती है जिसको देख के इंसान अपनी तारीख को पढ़ता है, देखता है और ये देखता है कि वो सुनहरा वक्त कैसा था, आज का वक्त और उस वक्त को जब कंपेयर करता है तो उसमें उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी तारीख कैसी थी. आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज़ बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन.